साथियों, यह किसी से छुपा नहीं है कि भारत कई सालों से दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर्स में एक प्रमुख देश रहा है। जब भारत आजाद हुआ था उस समय रक्षा उत्पादन के लिए भारत में बहुत सामर्थ्य था। उस समय भारत में 100 साल से अधिक समय से स्थापित रक्षा उत्पादन का इकोसिस्टम था और भारत जैसा सामर्थ्य और पोटेंशियल बहुत कम देशों के पास था। लेकिन भारत का दुर्भाग्य रहा कि दशकों तक इस विषय पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना देना चाहिए था। एक प्रकार से ये रूटीन एक्सरसाइज बन गया, कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए और हमारे बाद में शुरुआत करने वाले अनेक देश भी पिछले 50 साल में हमसे बहुत आगे निकल गए। लेकिन अब स्थिति बदल रही है। पिछले कुछ वर्षों में आपने अनुभव किया होगा कि हमारा प्रयास इस सेक्टर से जुड़ी सभी बेड़ियां तोड़ने का एक निरंतर प्रयास है। हमारा उद्देश्य है कि भारतीय में मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, नई टेक्नोलॉजीज का भारत में ही विकास हो और प्राइवेट सेक्टर का इस विशेष क्षेत्र में अधिकतम विस्तार हो और इसके लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया में सुधार, लेवल प्लेइंग फील्ड की तैयारी, एक्सपोर्ट की प्रक्रिया का सरलीकरण, ऑफसेट के प्रावधानों में सुधार, ऐसे अनेक कदम उठाए गए। साथियों, मेरा मानना है कि इन कदमों से भी अधिक महत्वपूर्ण है रक्षा क्षेत्र में देश में एक नई मानसिकता हम सब अनुभव कर रहे हैं। एक नई मानसिकता का जन्म हुआ है। आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मविश्वास की भावना अनिवार्य है।